देते थे, शिक्षा और दीक्षा दोनों का कार्य उन्होंने यहां से किया था। विमानन शास्त्र के विशेषज्ञ थे और कहा तो यही जाता है कि पुष्पक विमान भी महर्षि भारद्वाज की देन थी। उनके आश्रम के सुंदरीकरण के कार्य को भी हमारी सरकार ने लेने का निर्णय किया है। दूसरा, श्री कुबेरपुर
प्रयागराज से सटा वहा एक प्रमुख नहीं है। महर्षि श्रृंगी और माता शांता से जुड़ा हुआ क्षेत्र और निषाद राज गुहर की वह प्रमुख स्थली श्रृंगवेरपुर के सुंदरीकरण के विकास को ध्यान में रख करके वहां पे निषाद राज पहले महर्षि श्रृंगी और माता शांता के आश्रम, उसका सुंदरीकरण, वहां पर अन्य कैसे हम एक ऐसा स्वरूप दे सकें, इसके बारे में कार्य योजना, साथ साथ निषाद राज का पार्क और उनकी मूर्ति जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ उनके मिलन का साक्षी बन सके, इस बार अनुरोध है। और इसके लिए हम सबसे पहले अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि जिन्होंने गंगा पूजा से, मां गंगा की पूजा से कुंभ की शुरुआत की थी, जिनके प्रयास से कुंभ को मानवता की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिली, जिनके प्रयास से एक वैश्विक मान्यता इस कुंभ को प्राप्त हुई है और दुनिया के 70 से अधिक देशों के राजदूतों ने प्रयागराज में आकर के अपनी अपनी राष्ट्र ध्वजा को कुंभ में स्थापित किया है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इस बात को लेकर भी करना चाहेंगे कि लगभग 450 वर्षों के लंबे कालखंड के बाद अक्षय वट का दर्शन करने का सौभाग्य श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जहां एक स्वच्छ कुंभ का संदेश देने में हम लोग सफल हो पा रहे हैं, वही मां गंगा के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो आस्था है, उस आस्था का परिणाम आज यहां पर देखने को मिल रहा है कि गंगा जी की अविरलता, गंगा जी की निर्मलता, यह नमामि गंगे परियोजना की परिश्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शिता के कारण इस रूप में देखने को मिल रहा है। कैसे परिवर्तन होता है हम स्वयं देख सकते हैं कि पिछले कुंभ में मॉरिशस